हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो दिस इज़ माय होल गोवा ले वीडियो व्लॉग मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज ये व्लॉग जैसा कुछ है नहीं इट्स अ वीडियो जिसमें ना पूरा मैंने दिखाया है कि हम लोग एक दिन में ना कहाँ कहाँ गए थे गोवा में सो वी जस्ट हैड वन डे टू एक्सप्लोर गोवा तो हमने ना एक पैकेज uh, बुक किया था नॉर्थ गोवा का जिसमें जितने भी नॉर्थ गोवा में फेमस प्लेसेस हैं वहाँ पर हम विजिट कर सकते थे तो वी इफ़ यू सी द होल वीडियो ना आपको पता चल जाएगा कि हमने लिटरली एक दिन में कितनी सारी प्लेसेज विज़िट की हैं तो so, हम गोवा में ना सुबह लैंड हो गए थे और सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके वी गॉट रेडी एंड वी लेफ्ट फॉर अवर वन डे गोवा टूअर तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस बहुत ही फेमस प्लेस से जो दिल चाहता है मूवी में जो जहाँ पे शूटिंग हुई थी ये फोर्ट बहुत फेमस हो गया था वहाँ से इट्स कॉल्ड अगवाडा फोर्ट तो मैंने खुद ये प्लेस उस मूवी में ही देखा था एंड जब मैं वहाँ पे एक्चुअली गई तो वो फीलिंग इतनी सरियल थी बिकॉज uh, एक होता है ना कि आप किसी मूवी में कोई प्लेस देखते हो एंड देन यू कीप दैट इन योर बकेट लिस्ट कि यहाँ पर एक बार जाना है एंड देन यू वैन एक्चुअली लैंड देर तो वो फीलिंग इतनी अच्छी लगती है बट प्रॉब्लम एक ही थी यू you नो know, कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हम पांच और दस मिनट से ज्यादा वहां रुक ही नहीं पाए वी जस्ट वेंट वी सॉ द प्लेस वी टुक सम पिक्चर्स एंड देन वी वेंट टू our सेकेंड प्लेस तो द सेकेंड प्लेस वॉज दिस बीच कॉल्ड कैंडोलिम बीच अगैन ये बीच भी बहुत ज़्यादा सुंदर था यू गाइज कैन सी द व्यू इतना अच्छा लग रहा था एंड यहाँ पे मतलब इट वॉज़ अ बीच तो थोड़ी बहुत हवा भी आ रही थी तो वी वर एबल टू यू नो सी द होल प्लेस हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की बिकॉज यहाँ पे गोवा के लोकल थिंग्स मिल रहे थे सो वी वॉन्टे टू एक्सप्लोर एवरी थिंग एंड बीच पे भी गए थे हम बीच बहुत सुंदर लग रहा था बस यही एक रिग्रेट होता है यू you नो know, मुझे हमेशा बीच पे जाके कि मैं पानी के अंदर नहीं जा पाती like, मुझे अगर इफ आई एम गोइंग टू बीच मुझे थोड़ा बहुत तो पानी के अंदर जाना है पर वैन यू आर ऑन अ वन डे टूअर यू नो यू के नॉट डू एवरी थिंग तो बस वही थोड़ा बहुत पैर वैर भिगा के वापस आ गए एंड उसके बाद से हमारा जो थर्ड प्लेस था वो था बाघा बीच तो हम बच पर जाने से पहले ना हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे एंड इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर कि वी वर सो डिहाइड्रेटेड ऑल्सो तो हमने बाघा बीच के साइड में एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर जाके कुछ खाया एंड वी ड्रैंक समथिंग एंड देन वी वर लाइक फुल्ली एनर्जाइज्ड टू एक्सप्लोर अदर प्लेसेज तो दिस वॉज बाघा बीच द मोस्ट फेमस बीच री हैप्पी टू बी देर आफ्टर बाघा बीच वी वेंट टू अंजुना बीच वो सब ना रास्ते में ही पड़ रहा था जो हमारे ड्राइवर सर थे हमें उन्होंने हमें मेक श्योर किया कि हम सारे बचेस एक बार एटलीस्ट देख कर आए उसके बाद से द लास्ट बीच वी वेंट टू वॉज दिस कलंगूट बीच ये बीच ना सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा लगा मुझे बिकॉज यहाँ पे जो शॉपिंग स्ट्रीट था वो बहुत ज्यादा सुंदर था एंड इवन द बीच वॉज वेरी क्राउडेड एंड वेरी नाइस उसके बाद से द लास्ट प्लेस वी वेंट इन गोवा वॉज दिस चर्च एंड लुक एट द व्यू गाइज इट वॉज सो ब्यूटिफुल सो प्रिटी मैं मतलब खड़े हो के देखती रहेगी कि मतलब इतनी सुंदर चीज़ मेरे सामने है सो दिस वॉज माई होल गोवा लेवर ऑल द प्लेस वी वेंट ऑल द प्लेसिज वी सॉ एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो इफ यू गाइज लाइक दिस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू अगेन